लाइन वाला है, अगर कोई छू लेगा, अगर इसमें करंट पास होता है तो इसका यहीं पे टेम बोल देंगे और यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ के इंजीनियर अगर सही तरीके से अपना दिमाग लगाकर सही टेक्नोलॉजी लगाकर अगर उधर से खंबा लगाते तो लोगों की आने जाने। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है, आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन के बगल में है, जो कि ये रोड है और रोड ये चला जाता है हाईवे के पास। और हम बता रहे हैं कि हमारे बिहार में कितना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, तो हम उनका करतूत दिखाने वाले हैं। हमको ये भी नहीं पता है कि किस कॉलेज से पढ़ के आते हैं, किस कॉलेज से डिग्री लिए हुए हैं, कि उनको दिखाई नहीं देता है ये बिजली के खंभा वहाँ पे और इसको सपोर्ट देने के लिए मेन रोडे में ये लगा दिया है। और हम छू भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं करेंट है कि नहीं है। इधर दिखा दीजिए, बगल में भी रोड है, इधर भी रोड है और उधर पूरा फ्री है, इधर पूरा बीचे में खंभा गाड़ दिया गया। तो कितना बिहार के जो टेक्नोलॉजी इंजीनियर साहब है तो कितना है, जरा ये बताइए, सही काम हुआ भैया? नहीं नहीं, ये काम सही नहीं हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि पटना में तकलीफ नहीं हो। अच्छा, ऐसे इंजीनियर का आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे इंजीनियर को बिहार में एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है, ऐसे इंजीनियर को हम बस यही बोलना चाहते हैं कि जो भी काम हो अच्छे से काम करे। ताकि थोड़ा सा देख लीजिए, ये लाइन वाला है, अगर कोई छू लेगा, अगर इसमें करंट पास होता है तो इसका यहीं पे टेम बोल देंगे और यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। अगर यहाँ के इंजीनियर अगर सही तरीके से अपना दिमाग लगाकर सही टेक्नोलॉजी लगाकर अगर उधर से खंभा लगाते तो लोगों की आने जाने में असुविधा नहीं होती और सुविधा होती। तो आइए, हम कुछ लोग भी आ रहे हैं तो हम उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिहार के जो भी इंजीनियर हैं कैसा उन लोग का राय देने वाले हैं। भैया इनसे पूछते हैं और ये सही जानकारी देंगे। भैया, ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहिएगा ऐसे इंजीनियर को? किस इंजीनियर को? जो एक खंभा रोड बीच में गाड़े हुए हैं, तो ये हो सकता है कि पहले का कुछ खंभा होगा जिसको वो लोग नहीं हटाए होंगे, उसको सपोर्ट में डाल के उसको लगा दिए। अच्छा, मानते हैं तो, लेकिन उनको ये चीज हटा देना चाहिए था क्योंकि ये चलता रोड है, चालू रोड है और रोड की लंबाई भी कुछ कम हो गई है यहाँ पे। और ये भी ठंडा के दिन आ रहा है और अंधेरा भी रहेगा। जी, अंधेरा बिल्कुल रहेगा, किसी का दुर्घटना भी हो सकता है। जी भैया, आप क्या कहिएगा, बीचों में खंभा गाड़े है सरकार? तो सरकार से थोड़ी सरकारी, जब यहाँ अगला सुविधा भी है वहाँ लोग गाड़ दिया। आइए, हम टेम्पू वाले भैया से बात करेंगे। भैया, आप रेडेली सी रोड में चलाते हैं? हाँ, यही रोड में। यहाँ पर दुर्घटना घटती है कि नहीं? अभी तो नहीं, अभी तो दिक्कत है, लेकिन अभी तो नहीं घटा है, लेकिन दिक्कत फिर भी है। होती है ना, ठंडा के दिन में तो धुन और घेर रहेगा तो और दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत है, होगी ना? ठीक है भैया, आप जा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल में ऐसा लगाया गया है और इस तरह से बिहार के टेक्नोलॉजी कितना एडवांस जा रहा है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ऐसे काबिल इंजीनियर के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, इसलिए ना मनीष भाई आप लोग रिलाई करते हैं बढ़िया से। तो मेरा प्रयास पाटलिपुत्र से कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।